जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें अपने मोबाइल पर लेटेस्ट जॉब पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे और मैं भी सही हूँ। आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल वगैरह देख लिया होगा, ये जो है काफ़ी बेहतरीन है और ये बहरीन के लिए है। काफ़ी सारे बंदों के मेरे पास में कॉल्स वगैरह आए कि कोई बहरीन का काम हो तो मुझे बताइएगा, तो आज वही काम मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और ये काम काफ़ी बेहतरीन काम है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में अभी तक कोई भी जॉब नहीं मिल पाई है आपको, तो आप इस जॉब में जा सकते हैं क्योंकि ये काम काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसमें जो है आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। वो चीज़ का ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू कहाँ होएगा वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। क्या क्या कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है हमारे पास में वो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यहाँ तक कि आप एक लेबर कैटेगरी से एक हाई प्रोफाइल की जो पूरी इसके अंदर अवेलेबल है, वो ये एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जो है हमारे पास में है। और इसमें सभी तरह के कैंडिडेट हमें चाहिए। एयरपोर्ट का काम है, जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल वगैरह सारी चीज़ देख ली है। अगर आप लखनऊ के आसपास या लखनऊ से दूर हैं तो आप इसमें इंटरव्यू दे सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मली इंटरव्यू होगा, लेकिन इंटरव्यू क्लियर करना आपको ज़रूरी है। अगर कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं तो आपको लखनऊ आना पड़ेगा इसके इंटरव्यू के लिए। और क्या क्या कैटेगरी है वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। और आपकी कोई सी भी जॉब तलाश कर रहे हैं आप, चाहे व्हाइट कॉलर में, चाहे कोई सी भी जॉब किसी भी तरह की तलाश कर रहे हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। और मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें इसमें सिर्फ लेबर कैटेगरी की जो जॉब है वो बताऊंगा आपको, और दूसरी वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा व्हाइट कॉलर के बारे में। काफ़ी अच्छी उसमें आपकी सैलरी लगने वाली है और दोनों का इंटरव्यू रहेगा। ये जो इंटरव्यू होने वाला, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 23 तारीख को होने वाला, ये जो आने वाली है, आज मैं पब्लिश करूँगा इस वीडियो को तो 19 है, लेकिन ये 23 को होने वाला। अगर आप इसको वीडियो को 23 से पहले देख रहे हैं तो ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी लगेगी। काफ़ी अच्छी ये एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, और कोई भी क्वायरी वगैरह जो वीडियो के अंदर नहीं बताई जाए वो वहाँ पर कर सकता है और उसके बाद में वो आ सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इंशाल्लाह। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी भी भाई बंधु को हेल्प मिल सके और वो जॉब के लिए अप्लाई कर सके, उसकी लाइफ सेट हो सके। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल वगैरह सारी चीज़ देख ली होगी और उसी के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स अब देने वाला हूँ। और पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो इंटरव्यू होने वाला है वो लखनऊ में होने वाला है। 23 नवंबर को इंटरव्यू होने वाला है और आपको इंटरव्यू में 8 बजे से पहले पहले पहुँचना है, ठीक है? तो अगर आप आ सकते हैं लखनऊ तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको पूरी बताऊंगा। लगभग 5 कैटेगरी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। और कोई भी कैंडिडेट अगर इसमें जाना चाहता है तो उससे पहले हमें डॉक्यूमेंट्स अपने भेजें, उसके बाद में जो है वो 23 नवंबर तक लखनऊ आए और वो आके अप्लाई कर सकता है, क्लाइंट इंटरव्यू दे सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नॉर्मल बंदा भी इसमें चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और जब बंदा आए तो एक प्रोफेशनल कपड़े पहन कर आए ताकि अच्छा लगे, प्रोफेशनल रहेगा। तो और बात करें अगर इसकी, तो ये जो रहेगा एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, तो आपको पता है एयरपोर्ट में जो काम ज़्यादा नहीं रहता, नॉर्मली काम रहता। तो सबसे पहली जो हमें रिक्वायरमेंट वो है कार पार्किंग के लिए बंदे चाहिए। इसमें काफ़ी सारे बंदे चाहिए कार पार्किंग के लिए। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो इसमें जो आपकी सैलरी होने वाली है वहाँ पे बीटी चलता है। अगर आज के इंडियन रुपीज़ में अभी आप देखेंगे तो लगभग 190 का एक वहाँ का और इंडियन का 190 बनेगा, तो 100 BT का आप लगा लीजिए, 110 BT का कितना आपका इंडियन रुपीज़ में बैठेगा। अगर मैं आपको बता दूं तो इंडियन रुपीज़ में जो आपको बैठेगा 20,000 प्लस बैठेगा। और इसमें टिप वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है। कार पार्किंग आपको पता है, अगर आपको नॉलेज है इस चीज़ का तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर टिप बैठ जाता है। और इसमें जो महीने का सैलरी आपके काफ़ी अच्छा बैठ जाएगा, लेकिन बेसिक सैलरी इसके अंदर कम है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
और इसमें ड्यूटी कितनी रहेगी वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी एज इसमें 22 से 35 साल के अंदर होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको स्पीकिंग हिंदी इंग्लिश नॉर्मली इंग्लिश आ चलेगी, हिंदी तो आपको जाहिर सी बात है जब वीडियो देख रहे हैं तो आपको आती होगी, तो आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन गुड लुकिंग आपका होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कार पार्किंग में काफ़ी सारे बंदे चाहिए। उसके बाद में चाहिए वॉशरूम एयर, ठीक है, वॉशरूम साफ सफाई करने वाला बंदा चाहिए। अगर वॉशरूम आपको पता है जो सारी चीज़ होती है, जो लेटरिन बाथरूम होते हैं, वो सारी चीज़ आपको साफ सफाई करना है, उनका क्लीनिंग करना है, तो उसके लिए भी काफ़ी सारे बंदे चाहिए। अब उसकी सैलरी की हम बात करें तो 110 BD सैलरी लगेगी, प्लस इनका टिप वगैरह और OT वगैरह वो अलग बेनिफिट्स हैं, वो आपको अलग दिए जाएंगे। बंदे को स्पीकिंग हिंदी वगैरह आनी चाहिए। एज की बात करें तो 22 से 35 तक चलेगी। और उसके बाद में हमें चाहिए एरेबल एरिया साफ साफ सफाई करने वाला चाहिए बंदा, अगर आप इसमें भी जाना चाहते हैं तो इसमें भी है। और उसके बाद में चाहिए ये जो सारा एरिया रहता है एयरपोर्ट के अंदर का बाहर का, वो सारा एरिया आपको साफ सफाई के लिए चाहिए इसमें बंदा। यानी कि एक मैं आपको बता दूं, इसमें जो टोटल बंदे चाहिए वो लगभग 250 बंदे चाहिए, और बाहर के साफ सफाई के लिए, अंदर की साफ सफाई के लिए, वॉशरूम साफ सफाई के लिए, ये सारा आपका क्लीनिंग का काम रहेगा। उसमें लेबर चाहिए, उसके लिए टोटल लेबर चाहिए, और डिपेंड करता है वो आपको कौन सी जगह लगाएं, वॉशरूम में लगाएं, बाहर लगाएं, अंदर लगाएं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, नसीब के ऊपर आपके। लेकिन जो है इसमें इंटरव्यू होने वाला है वो सब जगह की ये रिक्वायर्ड है, और कार पार्किंग का भी है, सारी चीज़ें लेबर कैटेगरी में आता है। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो सबका जो सैलरी है वो सेम है, 110 BD 110 BD, यानी कि ये 5 कैटेगरी है, यानी कि अंदर का साफ सफाई का है, फिर एयरपोर्ट के बाहर का साफ सफाई का है, और जहाँ पे वॉशरूम का साफ सफाई का है, वॉशरूम यहाँ पे ही आपको क्लियर कर देंगे कि आप किस कैटेगरी में वहाँ पे जाएंगे और कौन सी जगह आप वहाँ पे जाके काम करेंगे, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप इंटरव्यू देंगे वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं भाई कि मैं काम वहाँ पे कहाँ पे करूँगा, वो सारी चीज़ आप क्लियर कर सकते हैं वहाँ पे आने के बाद में। अगर वो क्लियर कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि भाई आपके माइंड से निकल जाएगा। लेकिन आप अगर एक लेबर कैटेगरी में जाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी काम मिलेगा तो आपको करना पड़ेगा, ये नहीं कि मैं वॉशरूम वगैरह साफ नहीं करूँगा, उसका साफ सफाई नहीं करूँगा, तो वो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलें तो अच्छा रहेगा। अगर आपको अंदर बाहर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कार पार्किंग का भी है, अगर इसमें कोई भी कैंडिडेट जाना चाहता है तो सबकी जो सैलरी है वो 110 BD है, और इंक्लूड उसी के अंदर फूड है, और कंपनी इसमें बंदे की जो एज होनी चाहिए वो 22 से 35 साल के अंदर होनी चाहिए, गुड लुकिंग बंदा होना चाहिए, और जब इंटरव्यू के लाएँ तो फॉर्मल जो है कपड़े वगैरह पहन कर आए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ड्यूटी जो आपकी रहेगी वो रहेगी 12 आवर्स की, इंक्लूडिंग आपका 1 घंटे का ब्रेक रहेगा, और OT आपको कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि OT आपको कितना देगी, 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ECR ECNR दोनों पासपोर्ट आपका एक्सेप्ट है। और बेनिफिट्स की बात करें, कंपनी आपको क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है, आपको कंपनी दे रही है अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्ड्री, यूनिफॉर्म, और आपको मेडिकल इंश्योरेंस, एड, और ये सारे बेनिफिट्स आपको कंपनी दे रही है। अगर कोई भी कैंडिडेट्स में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, अप्लाई कर सकता है, और अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, अदर इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सके, सर्विस चार्ज अप्लाई भी ले। और कोई भी कैंडिडेट्स में आप जाना चाहता है तो वो 23 तारीख को जो है लखनऊ आए, इंटरव्यू दे, और उसका काम जल्दी ही हो जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन आपको पूरी जानकारी मिल गई। अगर कोई भी कैंडिडेट्स में जाना चाहता है तो वो जा सकता है और अप्लाई कर सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा आपको, और इससे अलग ये लेबर कैटेगरी की था। अगर आप एक वाइट कॉलर जॉब तलाश कर रहे हैं तो इसके बाद में वो 24 को इंटरव्यू होने वाला है, तो बहरीन का ही एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का, अगर आप उसमें जाते हैं एक वाइट कॉलर जॉब तलाश कर रहे हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी मैं वीडियो बनाकर डालूंगा क्या क्या पोस्ट है उसके अंदर, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी लग रही है। तो चलिए फिर ये वीडियो आगे शेयर कर दीजिए कि आप किसी को शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी का भला हो जाए और वो अपनी लाइफ सेट कर सके और वो अप्लाई कर सके। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।